चलिए, पेज नंबर कौन सा है? 5.17 P4। इसमें लिखा हुआ है रॉ मटेरियल से वो दो फिनिश प्रोडक्ट बना रहा है, कौन कौन सा? पीवीसी कैन एंड पीवीसी पाइप। देखिए पीवीसी कैन, पीवीसी पाइप, इसमें से एक एग्जेम्प्टेड है और एक टैक्सेबल है। कौन सा एग्जेम्प्टेड है? पीवीसी पाइप्स आर एग्जेम्प्टेड। तो ये एग्जेम्प्ट है और ये टैक्सेबल है, करेक्ट है। अब मुझे एक और बात बताइए, कितना परसेंट रॉ मटेरियल पीवीसी कैन के लिए यूज कर रहा है, कितना परसेंट रॉ मटेरियल पीवीसी पाइप के लिए यूज कर रहा है? ये 75 है और ये 25% है, करेक्ट है। फिर इसके बाद उसने कुछ कुछ मटेरियल परचेज ये सब कर रहा है, उसे कुछ प्राइस दिए हुए हैं, टैक्स रेट ये सब दिया हुआ। मैं आपको वो एक्चुअल फिगर से पहले मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं। मान लीजिए इसने 100 रुपये का मटेरियल खरीदा जिसपे 10 रुपये ड्यूटी दिया, टोटल कितना हो गया? 110, ठीक है। यहां पर इस रॉ मटेरियल कॉस्ट पीवीसी कैन के लिए कितना आएगा? 81.10। बोलो, अब याद करो आईटीसी का कॉन्सेप्ट क्या था। आईटीसी का कॉन्सेप्ट कि अगर रॉ मटेरियल यूज फॉर मेकिंग टैक्सेबल गुड्स तो उसका आईटीसी मिल जाएगा। अगर आईटीसी मिल जाएगा तो आईटीसी कॉस्ट नहीं होगा, तो मैं जो कॉस्ट लूंगा वो किसका लूंगा? 75% ऑफ 100। और यहां पर मैं कॉस्ट कितना लूंगा? 25% ऑफ 110, 27.5। इतना कोई दिक्कत? अब आईटीसी, ये तो कॉस्ट के बारे में बात हो गई, अब आईटीसी में आइए। मुझे यहां आईटीसी कितना मिलेगा? 10 रुपये मिलेगा, 7.5, बहुत बढ़िया। और यहां मिलेगा ही नहीं, समझ में आया? अब इसको मैं बेच रहा हूं मान लो 100 रुपये में, इसको मैं पीवीसी कैन को बेच रहा हूं 100 रुपये में, इसको भी बेच रहा हूं 100 रुपये में, तो यहां पर मैं और रेट मान लो 10 ही%, 100 + 10 = 110, मेरा आउटपुट टैक्स कितना होगा? 10। क्रेडिट कितना मिला? 7.5। मैं टैक्स कितना जमा करवाऊंगा? 2.5। यहां पर 100 + 0 क्योंकि एग्जेम्प्ट है, = 100। समझ में आया? अब ये क्वेश्चन आप देख लो क्या कर रहा है। इसने रॉ मटेरियल बहुत सारे खरीदे होंगे, किसी पे आईटीसी मिल रहा होगा, किसी पे आईटीसी नहीं मिल रहा होगा। मान लो मैंने इसमें ये सीएसटी है, मान लो एज्यूम करो ये 10 रुपये सीएसटी है, अब सीएसटी का तो आईटीसी मिलेगा नहीं। अब मैं कॉस्ट यहां पर 75% ऑफ 110 लूंगा, यहां 25% ऑफ 110 लूंगा, आईटीसी 0-0 कर दूंगा। आ रहा समझ में मैं क्या कह रहा चाह रहा हूं? अब मैं ये चाह रहा हूं आपसे, आपको मैंने जो बिल बोला है बनाने के लिए परचेजेस का, वो सिर्फ आप बिल बनाओ। समझ में आया? जब बिल बन जाए तब फिर हम लोग सेल्स का भी बिल बनाएंगे। करो बिल बनाओ।